तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है हमारे माइनक्राफ्ट के एक नए एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड में आपको तो याद ही होगा कि मैंने वो छोटा सा दो घर बनाए थे जहाँ पे विलेजर रहेंगे हमारे, और वो जो रेल की सिस्टम है वो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम विलेजर्स को लेके आएंगे, और ये हमारा एक छोटा सा वर्ल्ड आप देख सकते हो। तो और देख सकते हो मेरी XP 50 है, इतना तो एंडर ड्रैगन भी नहीं देता होगा। एंडर ड्रैगन भी 60 लेवल देता है और मैंने ऐसे ही 50 कर लिया। ये गोल्ड फार्म और ये वाला XP फार्म बहुत ही OP, अगर आपको बनाना है तो बना सकते हो। तो चलिए विलेजर्स को लेके आते हैं। और आज मैं एक बंदे को शाउट आउट देने वाला हूँ, क्योंकि उसने मुझे बहुत अच्छा सजेशन दिया। उसने कहा कि मैं पहले फर्स्ट पर्सन में आ जाता हूँ और नीचे मैं आपको बताता हूँ। चलो, तो मैं फर्स्ट पर्सन में आ चुका हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए मेरा एनविल टूट चुका है, पता नहीं कैसे, लगता है मैंने ज़्यादा यूज़ किया इसीलिए। और मैंने 4 हॉर्सेस पकड़ा है, एक का नाम टोर्नेडो रखा है और बाकी 3 का नाम नहीं रखा क्योंकि एनविल टूट चुका था, तो इसलिए रहने दिया। थोड़े से लीश ले लेता हूँ बोट में अगर बिठा के लाऊंगा, और ब्रेड भी ले लिया मैंने उनको लाने के लिए विलेजर्स को। और एक बंदा है फन क्रिएशन नाम का, तो उसने सजेस्ट किया था कि मैं विलेजर्स को आर्मरर बनाऊं और उसके मार्क्स लेवल पे मुझे डायमंड के आर्मर वो सब मिलेंगे, तो वो भी हम करेंगे। और पता है मुझे नीचे वहाँ पे उस साइड है ना, नीचे मैंने माइंड किया था तो मुझे 2 मतलब डायमंड मिले, लगभग टोटल 8 या 9 ब्लॉक हो गए। तो उसको बाद में हम माइंड करेंगे फॉर्चून से, तो वो तो लास्ट में माइंड करेंगे। और किसी ने मेरे से ना सीड भी मांगा था मेरे इस वीडियो का, मतलब मेरे ये वर्ल्ड का, तो उसको भी मैं सीड देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वो मैं बाद में देने वाला हूँ, वीडियो के बीच में मैं आपको सीड दिखा दूंगा। तो चलिए पहले हम विलेजर्स को लेके आते हैं। तो चलिए हम एक राइड पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कितना मैंने मेहनत किया इसके लिए। तो ये मैं बैठ गया, कहाँ से जाना है, अच्छा तो चलिए विलेज में चलते हैं हम लोग। तो बहुत दूर होने वाला है, तो आप लोग थोड़ा सा आराम से बैठ जाइए, क्योंकि ये वीडियो लगभग थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। मुझे इतना तो पता नहीं कितनी बड़ी होगी, पर हम बहुत दूर विलेज में जाने वाले हैं। आप ये राइड का मज़ा ले दिया, जब तक मैं भी मज़ा ले रहा हूँ ये राइड का। और बीच में एक बार क्रीपर यहाँ पे स्पॉन हो गया था और इसने पूरा रेल को उड़ा दिया था, लेकिन मैंने बाद में ठीक कर लिया, तो उसमें कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। देख सकते हो कहाँ कहाँ से घूम घूम के ये जा रहा है हमारा, आप देख सकते हो। तो मैंने बहुत ज़्यादा ही मेहनत किया ऑफलाइन, ये बनाते बनाते बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, तो कोई बात नहीं, अभी बन चुका है, मेहनत हो चुका है। और बीच में है ना मुझे रेड स्टोन टॉर्च निकाल लेने दो, क्योंकि बीच में ना कुछ जगह पे रेड स्टोन टॉर्च नहीं लगाया, तो वहाँ पे भी हम लगाते चले गए। और मैंने ब्रेड्स भी ले लिए, जिससे कि विलेजर्स को मैं थोड़ा सा ब्रीड करूँगा, क्योंकि यहाँ के विलेजर भी ख़त्म नहीं होने चाहिए ना, इसलिए मेरे को ना विलेजर को ब्रीड भी करना होगा। तो देखते वहाँ पे शायद, हाँ उधर थोड़ा सा आगे, और मैंने रेडस्टोन टॉर्चेस का काम नहीं किया हुआ है, तो वहाँ पे पहले रेडस्टोन टॉर्च का काम करेंगे, फिर हम विलेज में से विलेजर्स को लेके आएंगे। देख सकते हो कितना मैंने OP बनाया ऊपर नीचे, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा था, मतलब ऑफलाइन मैंने लगभग 3-4 घंटे तो माइनक्राफ्ट खेला ही था मैंने, बहुत ज़्यादा ही मेहनत किया है। तो एक लाइक आप कर ही देना, उससे थोड़ा अच्छा लगेगा मेरे को। तो चलिए यहाँ से उतरते और यहाँ पे क्राउच हो जाते, और यहाँ से मैं ना ये रेडस्टोन टॉर्च लगा देता हूँ, यहाँ पे नहीं लगाए, यहाँ पे एक लगाना था और एक यहाँ पे लगाना था, तो यहाँ पे भी लगा देता हूँ मैं, 3 ही जगह पे बाकी था, ये 2 और एक ये आगे। और बैकग्राउंड वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करना है, यहाँ पे थोड़ा सा काम चालू है और इधर डॉगी भी मतलब भोंक रहा है, इसलिए उसको इग्नोर करो। चलिए एक लास्ट बाकी है, यहाँ पे भी मैं लगा देता हूँ। अरे यार ये ज़्यादा ब्लॉक लग जाता है, तो इसी के ऊपर स्पॉन हो जाते हैं ना क्रीपर वो सब, तो ये पूरा उड़ा देते, इसलिए मैं एक भी ज़्यादा नहीं रखूँगा। तो ये देखिए हो चुका है, हाँ मतलब पूरा हो चुका है। तो चलिए नीचे चलते हैं, और ये जितना भी ज़्यादा है ना इन सबको मैं तोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं चाहता कोई क्रीपर स्पॉन हो जाए। चलिए हो चुका है, मैं यहाँ से नीचे चलता हूँ। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं मैं वहाँ ऊपर से नीचे आ चुका हूँ, और यहाँ पे मुझे विलेजर्स को ढूंढना है और उनको अपने घर लेके जाना अपने साथ। तो चलिए वहाँ पे एक विलेजर दिख रहा है, शायद वो फार्मर है, तो मैं उसको फटाफट से पकड़ता हूँ। अच्छा तो ये फार्मर है, तो एक मतलब कोई भी लेके जाऊँगा मैं, और वहाँ अपने घर पर ले जाऊँगा ना, तो वहाँ पर मैं उनका प्रोफेशन को चेंज कर दूंगा। चल बैठ जा, और दूसरा वाले विलेजर को भी मेरे को पकड़ना पड़ेगा। एक मिनट, ये 2 साथ में बैठ गई, ये मेरे लिए अच्छी बात है। इसको मैं लीड, मैं इनको लिस्ट नहीं लगा सकता क्या, लगा सकता हूँ। ओके पहले नाइट हो रही है, तो पहले मैं सो के आ जाता हूँ, डे कर लेता हूँ, नहीं तो कोई ज़ॉम्बी आके विलेजर्स को मार देंगे ना, तो फिर मुझे ही प्रॉब्लम होगा। अरे यार ये बच्चा कौन से बेड पे सो रहा है, कोई बात नहीं मैं अपना काम कर लेता हूँ। तो चलिए अब उनको लेके आ जाना है हमको डायरेक्ट,
चलिए इनको लीश लगाते हैं, जल्दी लग जाए। कहाँ से लगता है लीश? ओके लग गया। अब मुझे इनको खींच के लेके आना है आराम आराम से। मुझे तीन विलेजर्स को लेके जाना है शायद, तो मैं इनको लेके चलता हूँ सीधे सीधे। चलो आ जाओ आ जाओ, आराम आराम से लेके जाता हूँ, नहीं तो लीश टूट जाएगी तो प्रॉब्लम होगा। ज़्यादा नहीं, अरे यार क्या हो गया, मैं पानी में कैसे गिर गया। मुझे सीधे सीधे चलना चाहिए, तो बस ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मतलब जावा एडिशन में थोड़ा मुश्किल है, उसमें हम बोट को लीश नहीं बांध सकते ना, इसलिए जावा एडिशन में थोड़ा मुश्किल होता है विलेजर्स को लेके जाना। पर इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, इसमें हम लीश बांध सकते हैं ना, तो बहुत ही आराम से मैं लेके जा सकता हूँ। तो इनको मैं लेके आ गया हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ फटाफट। अरे अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं और अंदर लेके आता हूँ। चलिए या ओके ओके ओके, और थोड़ा पीछे आ जा। चलिए आ गए, अब मैं जाके देखता हूँ कि वो अंदर है या नहीं है। वो विलेजर को डैमेज हो रहा था, मर तो नहीं गया ना वो विलेजर? ओके एक विलेजर तो मर भी गया। ये विलेजर, ओ यार दोनों विलेजर मर गए, कैसे हो गया? चलो कोई बात नहीं, मैं इनको है ना बहुत सारे ब्रेड दे देता हूँ जिससे ये ब्रीडिंग करेंगे। मुझे वो पत्थर हटाने होंगे वहाँ से, नहीं तो है ना सारे विलेजर ऐसे ही मर जाएंगे। चलिए फटाफट, मैं इस विलेज के विलेजर को ऐसे ही मरने नहीं दे सकता, तो मैं पहले इनकी ब्रीडिंग कराता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने एक विलेजर को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, पर मैं इसको धक्का दे रहा हूँ, ये इस साइड जा ही नहीं रहा पता नहीं क्यों। चल भाई चल इस साइड चल, कोई पे तो रेल पे चढ़ जा, जा 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 सीधे घर पे जाना। चलो गाइस ये तो चला गया अपने घर पे जाके रुकेगा। अब हमको कोई दूसरा विलेजर ढूंढना, अगर दूसरा मिल जाए तो अच्छा, क्योंकि दो तो ऐसे ही मर चुके मेरी बेवकूफ़ी की वजह से, दो विलेजर्स बेचारे मर चुके हैं। चलो यहाँ से दूसरे विलेजर्स को ढूंढते, अगर मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो एक ही विलेजर्स मेरे नसीब में होगा। और यहाँ पे जब भी आता हूँ तो हड्डियाँ लाना भूल जाता हूँ। चलो कोई बात नहीं, चेक करते हैं, और तो यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है, तो हमें भी चलना चाहिए शायद अपने घर पे। चलो मैं भी घर चलता हूँ, फिर बाकी का बाद में देखेंगे। चलो यहाँ पे रखता हूँ एक राइट दबाओ, और चलो तो अब घर पे जाके हम भी रुकेंगे। अब वो मर ना गया, उधर भी मैं एक लगा के आया हूँ ब्लॉक, शायद वो भी ना मर गया हो। ओके ये यहाँ पे रुक, कहाँ गया भाई वो? ग्लिच हो गया क्या वो? गया कहाँ यार, क्या हो रहा है यार मेरे साथ? लगता है मेरे नसीब में विलेजर ही नहीं है। चलो कहाँ चला गया वो भी नहीं पता मेरे को, तो वहाँ पे तो नहीं, वापस नीचे तो नहीं चला गया यार। यहाँ पे मैंने ये कैसा किया है जो ये बार बार ऐसी हो रहा है, इसको मेरे को तोड़ना पड़ेगा। अट इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अरे नहीं, यहाँ पे और विलेजर्स को ढूंढते, अगर नाइट के अंदर वो घर में आए हो तो शायद मिल सकते हैं हमको। तो मैं पहले विलेजर ढूंढता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस ये विलेज में अब कोई भी विलेजर नहीं रह रहा है, दो तो मेरे गलती की वजह से मर गए, और कोई विलेजर? ओके वहाँ पे एक विलेजर है माइंड कार्ट के ऊपर। ओके ओके ओके, तो मुझे है ना उसको बचाना होगा किसी भी कीमत पे, तो भले मेरी डेथ हो जाए यहाँ पे, लेकिन मुझे उस विलेजर को तो बचाना ही होगा। चलो जल्दी, अच्छा दिख चुका है उस विलेजर को, तो मुझे कैसे भी बचाना होगा। तो चलिए उस विलेजर को बचाते हैं, पता नहीं वो पहाड़ के ऊपर गया कहाँ से, तो मैं उस विलेजर को पहले बचाऊँगा, फिर बाकी काम बाद में करेंगे। कहाँ गए यार तुम लोग? उस विलेजर को हाथ नहीं लगाना, समझ गए? उसको हाथ भी मत लगाना। चल नीचे आ जा, तू नीचे आ जा, इसको मुझे नीचे लाना होगा और नीचे बोट में बिठाना होगा इसको। ये कौन है? ओके इधर एक बोरिंग सा विलेजर, ये जॉम्बी आ गया था। मुझे है ना इसको फटाफट से नीचे ला के बोट में बिठाना है, क्योंकि मुझे इसको घर लेके जाना है। और ये आखिरी विलेजर होगा शायद, आखिरी विलेजर होगा ना, तो फिर मुझे कैसे भी इसको सेफ्टी घर पहुँचाना ही होगा। चलो ये आ चुका है, और ये माइंड कार्ड को भी मैं ले लेता हूँ। चलो
और ये जो ज़ॉम्बी है ना यहाँ पे, इसको मुझे मारना चाहिए। चलो चलो ये इसमें बोर्ड करते और नीचे नीचे लेके जाते हैं। अरे अरे अरे, यहाँ से नीचे लेके जाना है इसको। इसको कुछ नहीं होना चाहिए, भले मेरे को बहुत डैमेज हो जाए, जो कुछ दिख भी नहीं रहा है। यहाँ पे एक ब्लास्ट फर्नेस है, यानी ये विलेजर वो है, क्या बोलते हैं, मेरे को निकल जाना। एक मिनट, ये क्या हो गया, इससे डैमेज तो नहीं हुआ ना भाई? डैमेज मत हो जा, मैं बहुत मेहनत से तेरे को लेके आया हूँ यहाँ पे। तो गाइज मैं इसको बहुत ही सेफ्टी से मैं अंदर लेके आता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइज वो विलेजर को मैं घर भेज चुका हूँ, और मुझे नहीं लगता कोई और विलेजर है। तो हम पहले जाते घर पे और चेक करके आते वो सही सलामत है भी या नहीं। तो पहले चलते घर पे, क्योंकि उसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, अगर वो गया तो कुछ नहीं कर सकते फिर हम। अरे यार ये क्या हो रहा है, ये माइंड कार्ट बार बार आ रही है। ओके, विलेजर कहाँ चला गया यार, ग्लिच हो रहा है बार बार वो विलेजर। तो यहाँ से बैठ के हम वापस जाते हैं। चलो भाई एक लास्ट माइंड कार्ट है, वो वापस आ रही है माइंड कार्ट। यार मुझे गुस्सा दिला रही है वो माइंड कार्ट। तो काम करता हूँ, पहले वो माइंड कार्ट को मैं तोड़ देता हूँ, फिर बाकी का जो भी होगा करना है। ये टूट जा, नहीं टूटा, जान दो उस माइंड कार्ट को, छोड़ो। अभी हम पैदल ही घर जाएंगे, हमको खाली वो विलेजर्स की सेफ्टी मतलब ज़रूरी है। तो मैं आपको घर जाने के बाद मिलता हूँ। ओके गाइस, तो गाइस फाइनली ये विलेजर घर पे आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया था। और मैं जाकर सो लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे नाइट हो रही है, और पहले इसको ब्रेड दे देता हूँ, इसकी हेल्थ जो भी ख़त्म हुई होगी वो फुल हो जाएगी। तो 23 ब्रेड दे दिए और मैं घर जाकर सो लेता हूँ। और सोने के बाद हम डायमंड को माइन करने चलेंगे, फॉर्चून की पिकेक्स है हमारे पास, फॉर्चून 3 की एक पिकेक्स है। तो देखते हैं कितने डायमंड मिलते हैं। मेरे ख्याल से मैंने वहाँ पे ना दो जगह पे डायमंड ढूंढे थे, एक जगह पे कुछ पता नहीं कितने ब्लॉक हो गए। और मैं आपको सीड दूंगा ना मेरा, और सीड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो जाके वहाँ से आप देख सकते हो। और आप भी वो कोऑर्डिनेट पे जाकर ढूंढ सकते हैं, आपको भी पता चल जाएगा कि वहाँ पे मुझे सच में डायमंड मिले थे। तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो मेरी। अरे यार मैं तो पिकेक्स लाने भूल गया, एक मिनट मैं पिकेक्स लाता हूँ और फिर जाके हम डायमंड को माइन करते हैं। तो वहाँ गोल्ड फार्म के नीचे है ना, वहाँ पे पिगलिंस को स्पॉन हो रहा था ना, तो उस तब तक मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा माइन कर लेता हूँ। और मैं थोड़ा नीचे माइन करते करते गया और मुझे वहाँ पे डायमंड्स मिल गए। मैंने वो माइन नहीं किया, मेरे को आपको दिखाना था इसीलिए। तो चलिए फॉर्चून की पिकेक्स है, देखते कितना मिलता है। तो पता नहीं, शायद एक जगह पे 8 ब्लॉक हो गए और एक जगह पे 7 हो गए, तो देखते हैं कितने मिलते हैं मेरे को। तो चलिए मैं ना वहाँ पे नीचे माइनिंग के एरिया में जाने के बाद आपसे मिलूँगा। तो क्योंकि है ना वो थोड़ी सी नीचे है, तो चलिए फटाफट चल जाते हैं। तो मैं आपसे ना नीचे नीचे पहुँचने के बाद मिलता हूँ। तो गाइज मैं पहुँच चुका हूँ, ये देखिए डायमंड आपको दिख ही रहे होंगे। तो चलिए देखते कितने हैं, लगभग 9 ब्लॉक है यहाँ पे। तो चलिए देखते फॉर्चून से कितने मिलते हैं। तो फटाफट सबके सबको तोड़ लेता हूँ और फिर चेक करते हैं कितने मिलते हैं। ओके 10वां ब्लॉक भी है यहाँ पे। तो टोटल देखते, ओके 10 से मुझे डबल मिले यानी 20 मिले, और एक ये बाजू था। तो चलिए इसको भी माइंड करते हैं, यहाँ पे भी 4 या 5 हो गए। तो इसको मैं देखूँगा, फॉर्चून 3 का यही फ़ायदा है। देखिए 34, ओके 38 मुझे डायमंड मिले और तो नहीं, ओके इधर भी है। तो 43 डायमंड मिले टोटल मेरे को, देख सकते हो इतनी जल्दी। और मेरा नसीब बहुत ही अच्छा है, मैं यहाँ पे सिर्फ आयरन ढूंढने आया था, क्योंकि मुझे बहुत सारी पावर ड्रिल बनानी था और मुझे ये मिल चुके हैं। तो मैं आपको घर पे जाने के बाद मिलता हूँ, इसको पहले ना चेस्ट में अच्छे से रख दूंगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अंदर से और 43 डायमंड लेके आया हूँ, मतलब एक स्टेक में बहुत, मतलब थोड़ा सा ही बाकी और दो पहले से, मतलब 45। और वो ओके वो विलेजर को कैसे भी सेफ रखना है। तो गाइस मैं ना वो विलेजर को मतलब जितना हो सके उतना सेफ करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। और आज का काम तो हो चुका है, एक विलेजर आ चुका है, और बाकी वहाँ पे ज़िंदा है भी या नहीं विलेजर वो भी नहीं पता। अगर ज़िंदा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम कभी कह सकते हैं। अगर गाइस बताना, अगर एक भी विलेजर ना हो तो ब्रीडिंग के लिए तो 2 विलेजर लगते हैं, अगर उधर एक भी विलेजर ना हो अगर तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब दूसरा विलेज कहाँ पे मैं ढूंढने जाऊँगा खुद मुझे भी नहीं पता। इसलिए आप सजेस्ट करना कि मुझे करना क्या है, पहले मैं उसको पूरी तरह सेफ करता हूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने ये विलेजर के लिए इतनी सी सेफ्टी कर दी है कि कोई ज़ॉम्बी इसको बाहर से मारे नहीं। और अंदर मैंने ना इसको एक बेड दे दिया और एक ब्लास्ट फर्नेस, तो अभी मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने इसको ये जो भी है वो दे दिया है। इससे एटलीस्ट कुछ काम तो करेगा, डिस्पॉन नहीं होगा अगर जब तक काम करेगा, इसलिए मैंने इसको दे दिया।
और ये क्या बन चुका है, ये स्टोन मैंशन बन चुका है। जो भी बना है मुझे क्या करना है, बस ये डिस्पॉन ना हो, बहुत मेहनत की इसके लिए। और वो विलेज में और कोई विलेजर है ही नहीं, तो गाइस मुझे बताओ कि मुझे करना क्या चाहिए, क्योंकि अगर कोई विलेजर नहीं होगा वो विलेज में तो मैं अब कहाँ से दूसरा विलेजर लाऊँ। ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, मेरी गलती की वजह से दो विलेजर खुद मर चुके हैं, इसलिए मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैं भी क्या कर सकता हूँ, मेरी गलती, मुझे पता थोड़ी था ऐसा हो जाएगा। तो गाइस अब कर भी क्या सकते हैं, तो एक ही विलेजर मैं ला पाया और बाकी कोई विलेजर है ही नहीं, तो मैं एक बार चेक करने जाऊँगा ऑफलाइन, अगर हुआ तो उसको भी ला दूँगा, अगर नहीं हुआ है तो फिर मैं कर भी क्या सकता हूँ। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो एक लाइक ज़रूर कर देना और बताना मुझे करना क्या चाहिए, क्योंकि विलेजर तो एक भी नहीं है वो विलेज में, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक नए माइनक्राफ्ट के वीडियो में।